विंटर्स में, सर्दियों में इस फैब्रिक की बनी शर्ट्स बहुत ट्रेंड में रहती हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र तुषार चारू क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि एक फैशन फैब्रिक कंपनी है नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली में। मित्रों, इस वीडियो में हम विस्तार में बात करेंगे कॉर्ड्रॉय फैब्रिक की। तो सबसे पहला प्रश्न, क्या है ये कॉर्ड्रॉय फैब्रिक? कॉर्ड्रॉय फैब्रिक एक ड्यूरेबल और रिज्ड फैब्रिक है, टिकाऊ और उभार वाला कपड़ा है, जिसका निर्माण डिफरेंट फाइबर्स, अलग अलग प्रकार के रेशों जैसे कॉटन, पोलिस्टर, वूल, स्पैंडेक्स या इन सब फाइबर्स के ब्लेंड्स, इन सब रेशों के मिश्रण से किया जाता है। हालांकि सबसे अधिक मात्रा में कॉर्ड्रॉय फैब्रिक का निर्माण कॉटन फाइबर, कॉटन के रेशे से ही किया जाता है। कॉर्ड्रॉय फैब्रिक अपने यूनिक रिच्ड पैटर्न के लिए बहुत फेमस है, अपने अद्वितीय उभार वाले पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्ड्रॉय फैब्रिक का निर्माण 3 सेपरेट यार्न्स को साथ में वीव करके किया जाता है। 3 अलग अलग सूतों को एक साथ बुन के किया जाता है। पहले दो सूतों को प्लेन वीव या ट्विल वीव में बुना जाता है और फिर तीसरे यार्न को इस प्लेन या ट्विल वीव बैकिंग के ऊपर ढीले ढंग से, लूजली, फिलिंग डायरेक्शन में, वेफ्ट डायरेक्शन में वीव किया जाता है। ये तीसरा यार्न 4 या 4 से अधिक वार्प यार्न्स के ऊपर से फ्लोट करता है। इस तीसरे यार्न की, जिसे कट पाइल यार्न भी कहा जाता है, बाद में कटिंग, ब्रशिंग और सिंजिंग की जाती है। सिंजिंग का अर्थ है कि यार्न्स को, सूतों को ताप द्वारा झुलसाया जाता है। इस तीसरे यार्न की पूरी प्रक्रिया के कारण ही फैब्रिक पर वर्टिकल रिब्स या कहें वेल्स का निर्माण होता है। ये वेल्स सेल्वेज के पैरेलल, समानांतर चलती हैं। ये वेल्स कॉर्ड्रॉय फैब्रिक की पहचान है। अगर कॉर्ड्रॉय की बैकिंग प्लेन वीव की है तो उसे टैबी बैक कॉर्ड्रॉय कहा जाता है, और अगर बैकिंग ट्विल वीव की है तो उसे जेनुआ बैक कॉर्ड्रॉय कहा जाता है। हालांकि जेनुआ बैक कॉर्ड्रॉय ज्यादा ड्यूरेबल, अधिक टिकाऊ होती है, परंतु बाजार में उपलब्ध अधिकांश कॉर्ड्रॉय टैबी बैक कॉर्ड्रॉय है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूं कि अब आप हमारे फैब्रिक्स चारू क्रिएशन की मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑर्डर कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से चारू क्रिएशन की मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मित्रों, वापस लौटते हैं कॉर्ड्रॉय की तरफ और अब बात करते हैं विस्तार में कॉर्ड्रॉय फैब्रिक की वेल्स के बारे में, जो कि इस फैब्रिक का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कट पाइल यार्न की पूरी प्रक्रिया के कारण निर्मित रिजेस को, उभारों को वेल्स या कॉर्ड्स कहा जाता है। कट पाइल यार्न को जितने अधिक वार्प यार्न्स के ऊपर से फ्लोट कराया जाएगा, उतनी अधिक वेल की विड्थ, उतनी अधिक वेल की चौड़ाई होगी और उतना कम कॉर्ड्रॉय फैब्रिक का वेल नंबर होगा पर इंच कॉर्ड्रॉय फैब्रिक की लेंथ में अवेलेबल वेल्स को। प्रति इंच कॉर्ड्रॉय फैब्रिक की लंबाई में उपस्थित वेल्स को कॉर्ड्रॉय फैब्रिक का वेल नंबर कहा जाता है। अगर किसी कॉर्ड्रॉय फैब्रिक का वेल नंबर बड़ा है तो इसका अर्थ है कि पर इंच में वेल्स ज्यादा होंगी और वेल्स की विड्थ कम होगी, और अगर वेल नंबर छोटा है तो पर इंच में वेल्स कम होंगी और वेल्स की विड्थ, वेल्स की चौड़ाई अधिक होगी। अधिकांश तौर पर वेल नंबर के अनुसार ही कॉर्ड्रॉय फैब्रिक का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉर्ड्रॉय फैब्रिक का वेल नंबर 11 से 12 होता है। इसका अर्थ है कि 1 इंच कॉर्ड्रॉय फैब्रिक की लेंथ में 11 से 12 वेल्स हैं। स्कर्ट्स, जैकेट्स और ट्राउजर्स का निर्माण करने के लिए स्टैंडर्ड कॉर्ड्रॉय का अधिकांश तौर पे उपयोग होता है। स्टैंडर्ड कॉर्ड्रॉय को पार्ट्रिज कॉर्ड्रॉय या कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्ड्रॉय के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर किसी कॉर्ड्रॉय का वेल नंबर 1.5 से लेकर 6 तक का है, 1.5 से लेकर 6 तक का है, तो उसे एलिफेंट कॉर्ड या जंबो कॉर्ड या वाइड वेल कॉर्ड कहा जाता है। इस प्रकार की कॉर्ड्रॉय में वेल्स बहुत ही थिक, बहुत ही मोटी होती हैं। एलिफेंट कॉर्ड का अधिकतम प्रयोग कोट्स, आउटरवियर गारमेंट्स, पैंट्स और अपहोल्सरी के निर्माण में होता है। अगला प्रकार है पिन वेल कॉर्ड्रॉय। ये एलिफेंट कॉर्ड्रॉय का टोटली ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत है। इस कॉर्ड्रॉय फैब्रिक में बहुत पतली वेल्स होती हैं। इस कॉर्ड्रॉय का वेल नंबर 21 तक का हो सकता है। इसे नीडल कॉर्ड के नाम से भी पुकारा जाता है। इस प्रकार की कॉर्ड्रॉय सॉफ्ट ड्रेसेस, वेस्ट, ब्लाउजेस के निर्माण के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। शर्ट्स का निर्माण करने के लिए भी पिन वेल कॉर्ड्रॉय का ही प्रयोग होता है। विंटर्स में, सर्दियों में पिन वेल कॉर्ड्रॉय की बनी शर्ट्स बहुत ट्रेंड में रहती हैं।
मित्रों व्हेल नंबर क्लासिफाइड कॉर्डरॉय, व्हेल नंबर वर्गीकृत कॉर्डरॉय के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रकार की कॉर्डरॉय बाजार में बहुत प्रचलित हैं। पहला उदाहरण स्पैंडेक्स कॉर्डरॉय। स्पैंडेक्स को कॉटन या पोलिस्टर या वूल के साथ ब्लेंड करके मिश्रित करके स्पैंडेक्स कॉर्डरॉय का निर्माण किया जाता है। चिल्ड्रंस गारमेंट्स, बच्चों के वस्त्र निर्मित करने के लिए स्पैंडेक्स कॉर्डरॉय का बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण बेडफोर्ड कॉट। बेडफोर्ड कॉट एक अमेरिकन फैब्रिक है जहां कॉर्डरॉय फैब्रिक में तीसरे यार्न को प्रॉपरली कट करा जाता है, उचित रूप से काट दिया जाता है। वहीं बेडफोर्ड कॉट में तीसरे यार्न को काटा नहीं जाता, अनकट ही छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बेडफोर्ड कॉट की वेल्स या कहें रिजेस कॉर्डरॉय की वेल्स की तुलना में लेस प्रोमिनेंट, कम प्रमुख होती हैं। पैंट्स विशेष रूप से चीनोस बनाने के लिए बेडफोर्ड कॉट का ही प्रयोग किया जाता है। मित्रों कॉर्डरॉय फैब्रिक के साथ बहुत ही क्रिएटिवली, बहुत ही रचनात्मक तरीके से काम किया जा सकता है। किसी भी कॉर्डरॉय से बने गारमेंट में आप इररेसिस्टिबल कॉन्ट्रास्ट और टेक्सचर पैदा कर सकते हैं। कैसे? उदाहरणतः कॉर्डरॉय शर्ट के अलग अलग एलिमेंट्स जैसे कि कॉलर, कफ्स, साइड फ्रंट या बैक पीस को बनाने के लिए अगर कॉर्डरॉय फैब्रिक को क्रॉस ग्रेन कट करेंगे तो कॉर्डरॉय फैब्रिक की हॉरिजॉन्टल रिब्स या हॉरिजॉन्टल वेल्स आएंगी, और अगर कॉर्डरॉय फैब्रिक को बायस काटा जाएगा तो डायगोनल लाइंस आएंगी। मित्रों एक और सूचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों आपको नैप या नैपिंग के कॉन्सेप्ट, नैप के सिद्धांत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नैपिंग एक फैब्रिक फिनिशिंग प्रोसेस है जिसमें फैब्रिक के लूज फाइबर्स को, लूज रेशों को बाहर की तरफ खींचा जाता है, रेस किया जाता है ताकि एक सॉफ्ट मैट और फाइबर बन सके। इस सॉफ्ट मैट और फाइबर को नैप कहा जाता है। अब नैप बनाने की प्रक्रिया के दौरान ही फाइबर्स को किसी एक दिशा में, किसी एक डायरेक्शन में ब्रश कर दिया जाता है। जिस दिशा में फाइबर्स को ब्रश किया गया है उस दिशा को नैप रनिंग डाउन डायरेक्शन कहते हैं। इसकी विपरीत दिशा को नैप रनिंग अप डायरेक्शन कहते हैं। अगर आप अपना हाथ कॉर्डरॉय फैब्रिक की नैप रनिंग डाउन डायरेक्शन में फेरेंगे तो कॉर्डरॉय फैब्रिक स्मूथ, चिकना महसूस होगा। साथ ही साथ नैप रनिंग डाउन डायरेक्शन में देखने से कॉर्डरॉय फैब्रिक शाइनी और चमकदार दिखता है। वहीं दूसरी ओर नैप रनिंग अप डायरेक्शन में हाथ फेरने से कॉर्डरॉय फैब्रिक रफ, खुरदुरा महसूस होगा, और साथ ही साथ नैप रनिंग अप डायरेक्शन में देखने से कॉर्डरॉय फैब्रिक डल और डार्क दिखता है, मंद दिखता है। स्कर्ट्स और पैंट्स ज्यादा अट्रैक्टिव, अधिक आकर्षक प्रतीत होती हैं अगर इन्हें नैप रनिंग डाउन डायरेक्शन में कट किए गए कॉर्डरॉय फैब्रिक से निर्मित किया जाए। वहीं दूसरी ओर नैप रनिंग अप डायरेक्शन में कट किए गए कॉर्डरॉय फैब्रिक से निर्मित कोट्स, जैकेट्स और ब्लाउजेस अधिक आकर्षक प्रतीत होते हैं। मित्रों अब बात करते हैं कुछ फन फैक्ट्स की, कॉर्डरॉय फैब्रिक को लेकर कुछ रोचक तथ्यों की। कुछ फैब्रिक हिस्टोरियंस, कुछ कपड़े के इतिहासकारों का मानना है कि कॉर्डरॉय शब्द का आविष्कार तब हुआ जब ब्रिटिश फैक्ट्री वर्कर्स ने ड्यूरॉय नामक वुलन फैब्रिक पर कॉर्ड्स बनाई, रिजेस बनाई, जबकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कॉर्डरॉय शब्द फ्रेंच टर्म कॉर्ड ड्यू रुआ से प्रेरित है जिसका अर्थ होता है क्लॉथ ऑफ द किंग, राजा का कपड़ा। दूसरा फन फैक्ट, शुरुआती दौर लगभग 1910 ईस्वी की गाड़ियों के सीट कवर्स कॉर्डरॉय फैब्रिक के बने होते थे। तीसरा रोचक तथ्य, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्फेंट्री सोल्जर्स की यूनिफॉर्म, पैदल सेना की वर्दी कॉर्डरॉय फैब्रिक की बनी होती थी। मित्रों इस वीडियो को देखने के लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे फैब्रिक से बने हुए प्रोडक्ट्स, बनाए गए उत्पाद आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे। कॉर्डरॉय फैब्रिक्स की कलेक्शन देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। किसी भी प्रकार की फैब्रिक्स की जानकारी के लिए आप हमें +91997110622 पर कॉल कर सकते हैं या charu@charu.org.in पर ईमेल भेज सकते हैं। मित्रों आप अगला वीडियो किस विषय, किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।